अंशुमन झा बॉलीवुड एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। लव सेक्स और धोखा, फगली मस्तरा, परी चौरंगा और हम भी अकेले तुम भी अकेले जैसे फिल्मों में अंशुमन झा ने अपने अभिनय के रंग बिखेरे हैं। साथ ही उन्होंने कांची, ब्लैक एंड वाइट और प्लेइंग गेस्ट सहित कई अन्य फिल्मों में निर्देशन और सह निर्देशन की बागडोर भी संभाली है। अंशुमन झा एक फिल्म की शूटिंग के लिए भोपाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खबर 100 से खास बातचीत में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। हमारे साथ मौजूद हैं एक्टर अंशुमन झा, इसी दिन से बात करते हैं। अंशुमन जी, आपका स्वागत करते हैं भोपाल में। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका एक्टिंग में जो डेब्यू हुआ किस तरह हुआ? आप शुरू से एक्टर बनने आते थे या बाय चांस फील्ड में आए? नहीं, मैं बचपन से यही करना चाहता था। मेरी पैदाइशी इलाहाबाद की है, मैं तब से ही अभिनेता बनना चाहता था, लेकिन जैसी मेरी शक्ल और सूरत है उस दौरान मेरे जैसे लोग अभिनेता नहीं बन सकते थे, लीडिंग हीरो तो बिल्कुल ही नहीं बन सकते थे। लेकिन समय के साथ, ट्रेनिंग के साथ थिएटर से शुरुआत हुई, फिर असिस्टेंट डायरेक्शन, फिर दिबाकर ने लव सेक्स और धोखा में कास्ट किया और वहाँ से फिर चलता रहा है सफ़र। आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी, फिर उसके बाद अभिनय में किस तरह से आपकी रुचि जागी? नहीं, अभिनय में रुचि 5 साल की उम्र से है। एक फिल्म थी त्रिदेव करके, नसीरुद्दीन शाह साहब, वो फिल्म मैंने 30-40 बार देखी, क्योंकि उस टाइम VHS कैसेट होते थे और वो कैसेट मेरे घर पे आके, वो दुकान बंद हो गई एक्चुअली VHS कैसेट की, तो वो कैसेट मेरे घर पे रह गया। तो वो फिल्म मैंने इतनी बार देखी ना कि मुझे सबके डायलॉग्स रट गए, तो मुझे एक्टिंग तो तब से ही करनी थी। इकोनॉमिक्स की पढ़ाई मैंने अपने माँ बाप के लिए की, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप बम्बई तभी जा सकते हो अगर आपकी जेवियर्स में एडमिशन हो, और जेवियर्स में एडमिशन पाना थोड़ी कठिन चीज़ है, क्योंकि वहाँ का आर्ट्स का कट ऑफ 93% होता है। तो मैंने दिल्ली में लग के पढ़ाई की 12th की और मेरे 90% आए। साउथ दिल्ली टॉप किया मैंने, लेकिन उसके बावजूद फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। सेकंड लिस्ट में, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था अंडर 16, अंडर 19 में, तो मेरा नाम सेकंड लिस्ट में स्पोर्ट्स कोटे में आ गया। तो इसी वैसे ही जेवियर्स में पढ़ाई हुई, लेकिन उस दौरान भी जेवियर्स की हिस्ट्री में मेरा सबसे, वो बोलता है प्रिंसिपल ने अलाउड लीव्स देते हैं जो, क्योंकि मैं इतने नाटक कर रहा था कॉलेज के दौरान कि मैंने 60% अटेंडेंस पे ग्रेजुएशन किया है। जेवियर्स में मिनिमम कैप होता है 75%, अगर आप कॉलेज नहीं जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। शायद इसीलिए वहाँ से इतने अच्छे लोग निकलते हैं, क्योंकि पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन। लाइक 3 of my best years जेवियर्स में जो मैंने टाइम बिताया। अभी आपने बताया कि जब हमने एक्टिंग की शुरुआत की उस टाइम मेरे ही शक्ल के लोग हीरो बनने की नहीं सोच सकते थे, तो अभी क्या टाइम चेंज हुआ, कंटेंट का ज़माना आ चुका है? आई डोंट थिंक टाइम कंटेंट एज सच यार, आई थिंक बिलीफ एंड ट्रेनिंग होती है। मैंने, मेरा डेब्यू 2010 में हुआ, उस समय भी ऐसा माना जाता था, लेकिन दिबाकर जैसे फिल्म मेकर्स अच्छे एक्टर्स आर्टिस्ट को चांस देते हैं, तो आई थिंक वो एक हवा बदल रही है जहाँ आपकी, मैं कैसे बोलूँ, आपकी सिर्फ शक्ल व सूरत पर निर्भर नहीं है कि आप कितना काम करेंगे, आप में एक्चुअली कितना डेप्थ है, आप किस लेवल के एक्टर हैं, क्या क्या कर सकते हैं, उस पर निर्भर करता है। पुराने ज़माने में ओमपुरी साहब, नसीर साहब, जिनको देख देख के हम बड़े हुए, और जो हमारे हीरो हैं, वो उनकी मात्रा कम थी उस टाइप के एक्टर की। लेकिन आज के दिन में अब पलड़ा बराबर होता जा रहा है, राइट? अब अच्छे एक्टर्स उतने ही हैं जितने ठीक ठाक एक्टर्स हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल सेंस में हीरोज हैं, तो आई गेस समय के साथ ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा है, एक्सपोजर बदल रहा है, तो उनको समझ में आ रहा है कि असली क्या होता है, नकली क्या होता है। उनको रूरल रूट, ग्रास रूट इंडिया की फिल्में देखने का पसंद है, जहाँ पे भाषा बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप हिंदी नहीं बोल पाएंगे तो एक्टिंग कैसे करेंगे? और ज़्यादातर लोग, मतलब कई लोगों की हिंदी काफ़ी बॉर्डर लाइन ख़राब होती है, तो वही है, अगर आप मेहनत करें और अपने टैलेंट पे काम करें तो चांस है। मस्तराम और लव सेक्स और धोखा जैसी जो आपने फिल्में करी है, उसका कहीं आपको ऐसा डर नहीं था कि एक ही मुझे बन के जाऊँगा, एक ही तरह की फिल्में ऑफर होना शुरू हो जाएगी? नहीं, आई डोंट थिंक एक ही तरह की फिल्में। LSD वॉज अ कल्ट फिल्म। लाइक उस दिन अनुपमा चोपड़ा का मैंने लिस्ट देखा, इस सेंचुरी की टॉप 50 फिल्म्स में LSD है, क्योंकि टाइटल था लव सेक्स और धोखा, बट वो फिल्म लंदन में भी गई, न्यूयॉर्क में भी गई, क्योंकि इट वाज अबाउट फाउंड फुटेज। हिंदुस्तान से पहली डिजिटल फिल्म थी वो, तो वो समझना पहले एक चीज़ है कि वो, और वो नेशनल
दो बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं दबाकर, तो वो ऐसे वैसे फिल्म मेकर नहीं है, वो बहुत सोच समझ के फिल्में बनाते हैं। जहाँ तक मस्तराम का सवाल है, वो हिंदुस्तान का पहला शो था जहाँ गेम ऑफ थ्रोन्स की इंटिमेसी टीम आई और जिन्होंने इंटिमेसी डायरेक्ट किया। तो देखिए क्या होता है बॉलीवुड में या इंडिया में इन जनरल, जब वैसा कंटेंट बनाया जाता है तो डायरेक्टर ही बना देता है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए क्योंकि इंटिमेसी इज़ अ स्पेशलाइज्ड, जो प्रोफेशनल इंटिमेसी होती है इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर्म। और मैं प्रोड्यूसर्स को क्रेडिट देना चाहूँगा कि हमने बोला कि हम कंफर्टेबल होंगे अगर इंटिमेसी डायरेक्टर्स होंगे और गेम ऑफ थ्रोन्स के इंटिमेसी डायरेक्टर्स आए। इंडिया में ना उससे पहले ना उसके बाद कोई शो या कोई फिल्म है जहाँ पे उन लोगों ने डायरेक्ट किया इंटिमेसी। और कोरियोग्राफी की तरह या एक्शन की तरह बहुत ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। तो अमांडा कटिंग और मेगन कनाडा से आए और उन्होंने जो हम लोग के साथ काम किया, प्लानिंग की, वही मैं कह रहा हूँ, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन बहुत होता है और लोग सरफेस लेवल पे जज कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ना और समझने में बहुत फ़र्क है। तो अगर आप उस शो को देख के सिर्फ टिटिलेट होंगे कि अरे वैसा शो है, तो उसका डेप्थ आपकी सोच में कमी है। वो शो बनाने में जो मेहनत और शिद्दत गई है वो हिंदुस्तान के किसी शो ना पहले ना उसके बाद हुआ है, क्योंकि वो क्रू जो दुनिया का बेस्ट क्रू है, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा शो बनाया है जो पूरा हिंदुस्तान भी देखता है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसका क्रू आया है। तो आप समझ रहे हैं कि लेकिन लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, वो सिर्फ सर्फेस लेवल पे सोच लेते हैं कि अरे लेकिन फिर वैसे कई शोज और फिल्में हैं जिसपे उस प्रकार की डिटेलिंग नहीं होती है। तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है प्रोसेस की डिटेलिंग, कि जो एज एन एक्टर मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, क्योंकि मैं शायद थिएटर का हूँ, तो मेरे गुरुओं ने मुझे ऐसे सिखाया कि प्रोसेस क्या होगा, और अगर अच्छे लोग जुड़े हुए हैं तो प्रोसेस ज़्यादातर अच्छा ही होता है। लेकिन अभी हम बात करें इंटीमेसी की, तो लव सेक्स से धोखा की बात करें या बात करें मस्तराम की, तो फैमिली के साथ बैठ के इनको नहीं देख सकते, टारगेट ऑडियंस होती है, फिक्स ऑडियंस जो इनको जिनको ध्यान में रख के बनाया जाता है। आई डोंट थिंक एलएसडी के साथ ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं। एलएसडी आपने देखी है? उसमें कुछ भी नहीं है, आई मीन एक सीन है शायद। और सच बात बताऊँ तो आजकल न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, डिजिटल न्यूज़ चैनल्स पे ऐसी चीज़ें आती हैं और जो लोग देखते हैं, एंगेज होते हैं, चाहे वो बड़े बुज़ुर्ग। एलएसडी ने फिल्म के तौर पे एक बहुत मच्योर चीज़ बोली कि कैमरा आपको अब हर जगह देख रहा है, जो कि हमारी आज सच्चाई है। हम मॉल में जाएंगे वहाँ कैमरा लगा है, लिफ्ट में जाएंगे वहाँ कैमरा लगा है। तो आज से 12 साल पहले एक फिल्म बनी है जिसने, उसका टैगलाइन था यू आर बीइंग वॉच्ड। सो फिल्म का सार था वो, दैट यू आर बीइंग वॉच्ड। एज फार एज मैं शोज़ की बात करूँ तो आप मिर्ज़ापुर ले लीजिए, उसमें इतना गाली गलौज है कि आप माँ बाप के साथ नहीं देख सकते, लेकिन इसका मतलब वो बुरा शो है ऐसा तो नहीं बोलेंगे। उसका एक ऑडियंस है। अभी इस एक्शन का भी सेम होता है जिसमें खून खराबा ज़्यादा होता है, कभी कभी लोग नहीं देख पाते, राइट, वायलेंस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, या वो एक टाइप का एंटरटेनमेंट है और कुछ लोगों को वो पसंद है तो उनके लिए बनाया जा रहा है। और आपकी मर्जी है, अगर आप देखना चाहें तो देखें, नहीं देखना चाहें तो फिर आपके लिए कोई और कंटेंट अच्छा होगा। अब जैसे मैं हरीश सर की मैंने फिल्म की अंग्रेज़ी में कहते हैं, विच इज़ अ फैमिली फिल्म, संजय मिश्रा में, पंकज त्रिपाठी, वो अलग प्रकार की फिल्म है, वो एकदम क्लीन फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है। या मेरी पिछली फिल्म हम भी अकेले तुम भी अकेले जरीन के साथ, वो भी बिल्कुल अलग फिल्म है। अब वो होमोसेक्सुअलिटी पे है तो कुछ लोग बोलेंगे अरे नहीं फैमिली के साथ नहीं देख सकते, लेकिन नहीं, वो फैमिली के साथ ही देखने वाली फिल्म है क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। इट्स अ स्टोरी अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स। अब इट सो हैपन्स कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो होमोसेक्सुअल है और जो लड़की है वो भी होमोसेक्सुअल है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है वो इंसान नहीं है। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी है दोस्ती की, और इन सब चीज़ों से आपका धीरे धीरे फिर थॉट प्रोसेस खुलने लगता है। एक्टिंग भी की है आपने, थिएटर भी किया है, फिर प्रोड्यूसर भी बने। जी जी। तो क्या आपको ज़्यादा चैलेंज लगता है, कैमरे के सामने काम करना है कैमरे के पीछे काम करना? देखिए मुझे सेट पे रहना बहुत अच्छा लगता है। इस साल मैंने अपनी पहली फिल्म भी डायरेक्ट की है, लॉर्ड कर्जन की हवेली, रसिका दुग्गल, अर्जुन माथुर। अभी वो अब पोस्ट प्रोडक्शन में, हम लोग लंदन में शूट करके आए हैं। तो मुझे मज़ा आता है फिल्म सेट पे रहना, और मेरे हीरोज़ जो रहे हैं वो हमेशा किशोर कुमार साहब, फरहान अख्तर, इस टाइप के लोग मुझे, आमिर खान सर, बहुत इंस्पायर करते हैं, क्योंकि मुझे फिल्म्स, मुझे स्टोरी टेलिंग से बहुत प्यार है।
और मुझे बहुत क्लियर है कि मेरे पास इतनी ज़िंदगी है, राइट? हाँ, तो मैं बहुत छोटी उम्र से जानता हूँ कि मेरा समय बहुत कम है, आप समझ रहे हैं? और वो सच्चाई है आपके लिए, मेरे लिए। एक चीज़ मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि मैं भी मरूँगा, आप भी मरेंगे, ठीक है? तो मुझे वो कोई फंडे नहीं है कि अरे, तो मेरा है कि मैं जितने टाइम रहूँ उतने टाइम मुझे सबसे ज़्यादा आनंद किस चीज़ में आता है, और वो है फिल्म बनाने में और क्रिकेट खेलने में। अब मैं क्रिकेट प्रोफेशनली नहीं खेलता, फिल्म मैं प्रोफेशनली बनाता हूँ। तो मैं जब खाली बैठा रहता हूँ तो मैं यही सोचता रहता हूँ, कोई कहानी, कोई स्क्रिप्ट, और मुझे एज एन एक्टर स्क्रिप्ट आते रहते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और लगता है मुझे कि ये हम अगर प्रोड्यूस करें एज अ कंपनी, हमारी कंपनी फर्स्ट वे फिल्म्स, अब पाँचवीं फिल्म है ये, हमारा एम ही ये है कि हम हाई कॉन्सेप्ट फिल्में अच्छे तरीके से, अच्छे सलीके से लो एंड मीडियम बजट्स पे बनाएं। और बजट्स कम होने से ये मतलब नहीं है कि पिक्चर लो क्वालिटी की होगी। पिक्चर इंडिया में जो बेस्ट फिल्म बन रही है उस क्वालिटी की है, लेकिन हम बहुत स्मार्टली बनाते हैं क्योंकि हम एक स्टार्टअप कंपनी है, हम प्लान्ड तरीके से बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा, मेरा जो मोटो है कि कोई भी फिल्म फेल नहीं करती है, फिल्म का बजट फेल करता है। तो अगर आप कोई फिल्म किसी ऐसे बजट में बना दें जो उसकी रिकवरी ही नहीं है, इस साल कई फिल्में ऐसी आई हैं, तो फिर पिक्चर गलत नहीं है, आपका बजट गलत है, आप समझ रहे हैं? सो फिल्म्स नेवर फेल, बजट्स फेल। और उस मोटो के साथ हम फिल्म्स बनाते हैं, जिन कहानी में हम बिलीव करते हैं वो बनाते हैं। और मुझे स्टोरी टेलिंग का शौक है, तो इसीलिए मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। और मेरा बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हैं। बस मैं, देखिए, मैं टाइम पे सोता हूँ, टाइम पे जागता हूँ, बहुत किताबें पढ़ता हूँ, टाइम बर्बाद नहीं करता। तो कोई भी मुझे ये बोलता है कि नहीं हो सकता है, वो मुझे बचपन से समझ में नहीं आया है, क्योंकि सब कुछ हो सकता है, वो आप पे निर्भर करता है। अब अगर आप रोज़ रात को टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 2 बजे तक इंस्टाग्राम पे हैं या पार्टी कर रहे हैं, फिर अगर आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं हो रही, तो आप दुनिया को ब्लेम नहीं कर सकते। सो मैं वो बड़े सिंपल फंडे रखता हूँ जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, मैं वो फॉलो करता हूँ। सुबह उठ के बिस्तर बनाता हूँ खुद का, खाना टाइम पे खाता हूँ, हेल्दी खाता हूँ, टाइम पे सो जाता हूँ, जो बेकार चीज़ें हैं ना देखता हूँ ना पढ़ता हूँ, तो मैं, और सिर्फ मुझे जो काम मज़ा आता है वो करता हूँ। तो इसीलिए मैं जितना इन्वॉल्व रह सकता हूँ इन्वॉल्व रहता हूँ। बात करें फिल्मों की, अभी बड़ी बड़ी बैठ की फिल्में हैं जो फ्लॉप हो रही है, अभी देखा गया है जी जी, इसके जो बता रहा है बायकॉट ट्रेंडिंग भी एक वजह बताई जा रही है, एज ए एक्टर आप क्या सोचते हैं? यार मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूँ, तो ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या। मैं सुनता हूँ यूनिट पे, लेकिन मेरा बड़ा सिंपल फंडा है लाइफ में, फिल्म अच्छी होगी और इंगेज करेगी तो चलेगी, सिंपल। और अगर वो चल रही है तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, और अगर बुरा भी लग रहा है आपको तो वो आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बहुत, हमारे वेदों में लिखा है, हाँ, हिंदुस्तानी हम, हमारा कल्चर इतना रिच है, और उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो लोग नेगेटिव होते हैं या वो लोग खुश नहीं हैं, और ये सच्चाई है, आप समझिए। क्योंकि जो इंसान अंदर से खुश होगा वो किसी चीज़ के बारे में बुरा बोल ही नहीं सकता है, बहुत ही सिंपल फंडा है, समझ रहे हैं आप? तो आप, मुझे मन करता है झप्पी पाऊँ लोगों को जो इतना, क्योंकि और सोशल मीडिया पे हुई नहीं तो मुझे पता ही नहीं ज़्यादा कि मेरा, आप अगर देखेंगे तो मैं शायद साल में एक बार ट्विटर पे जाता हूँ अगर रिलीज़ हुई उस दौरान, क्योंकि मुझे बोला जाता है जाओ। मुझे, आई थिंक ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, और ऑडियंस को जो चीज़ पसंद आएगी वो चलेगी, जो चीज़ नहीं पसंद आएगी आप जितना भी ढिंडोरा पीट लो कुछ नहीं होने वाला। आप जिस प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे हैं उसमें किस तरह रोल निभाते नजर आएंगे, और आपके अभी तक निभाए जो रोल हैं उनसे कितना अलग होगा ये? बहुत अलग है। हरिओम फिल्म का नाम है, और ये एक पिता और पुत्र की कहानी है, जहाँ ईगो की कहानी है, और ये हम सब की लाइफ में कभी ना कभी होता है कि आप खुद को सही समझते हैं, घर पे किसी को गलत समझते हैं। वो आपके पिता हो सकते हैं, आपकी बीवी हो सकती है, आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़िंदगी में कभी आप सही होंगे, कभी वो सही होंगे। तो फिल्म बहुत ही मूल रस में एक सिंपल सी चीज़ कहती है कि ईगो जो है वो रिश्तों को ख़राब करती है, और एक जर्नी है, इट्स अ ड्रामेडी, एक्चुअली ड्रामा कॉमेडी है, जहाँ रघुबीर सर जो कि मेरे पिता प्ले कर रहे हैं, और मेरा किरदार एकदम आई टू आई नहीं देख सकता है, और फिर कैसे वो एक सफ़र पर निकलते हैं, और उस दौरान उनको रियलाइज़ होता है कि प्यार की शक्ति
दिमाग में सोची हुई किसी भी चीज़ से बड़ी है, क्योंकि दिमाग अगर ईगो पे चल रहा है तो फिर वो फीलिंग पे नहीं चलता है जी। तो ये थे हमारे साथ अंशुमन जी, जिन्होंने अपने अभिनय का सफर हमसे साझा किया। जल्दी मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ, देखते रहिए खबर 100।